हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदीप बुडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, आजकल हुंडई अपने मिनी एसयूवी एक्स्टर पे बहुत काम कर रही है। रिसेंटली नाइट एडिशन को लॉन्च किया गया है एक्स्टर का, बहुत ही शानदार अपडेट के साथ। और कल ही यानी 16 जुलाई 2024 को हुंडई एक्स्टर का हाई सीएनजी डुओ यानी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है 3 नए वेरिएंट्स के साथ। और इसका मेन कॉम्पिटिटर है भारतीय बाजार में टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर मिनी एसयूवी टाटा पंच, जो कि ट्विन सीएनजी सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पहले से ही आता है। इन दोनों में ही कौन सी बेहतर ऑप्शन है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं हुंडई एक्स्टर सीएनजी न्यू वेरिएंट से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हुंडई एक्स्टर में सीएनजी के केवल 3 ही वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। और पहला है दोस्तों एस सीएनजी वेरिएंट, जिसकी प्राइस आती है 850,300 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। एस वेरिएंट आपको पड़ने वाली है सीएनजी में 9,53,000 ऑन रोड प्राइस दिल्ली, यानी कि 1,00,000 रुपये तकरीबन ऊपर आपको ऑन रोड प्राइस मिलने वाली है। हुंडई एक्स्टर का सेकंड वेरिएंट है दोस्तों एसएक्स, जिसकी प्राइस जाती है 9,23,300 रुपीज़, यानी कि 10,25,000 रुपीज़ ऑन रोड पड़ने वाली है। और थर्ड वेरिएंट है एसएक्स नाइट एडिशन, और जिसकी प्राइस जाती है 9,38,200 रुपीज़, यानी कि ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 10,42,000 ऑन रोड प्राइस दिल्ली। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपको एक्स्टर का सीएनजी वेरिएंट चाहिए तो 9,50,000 रुपये आपको चाहिए ही चाहिए, वो भी एस वेरिएंट के लिए, जिसमें फीचर भी कम मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा पंच में बेस वेरिएंट से ही सीएनजी का ऑप्शन आपको मिलता है, और उसकी जो प्राइस आती है 7,22,900 रुपीज़, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 8,12,800 रुपीज़, यानी कि बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे आपको टाटा पंच का बेस मॉडल मिलने जा रही है, बहुत ही शानदार ट्विन सीएनजी सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ। आपने देखा होगा एक्स्टर का एस वेरिएंट 8,50,000 एक्स शोरूम प्राइस जाती है, तकरीबन 9,50,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है एक्स्टर एस सीएनजी वेरिएंट के लिए। हुंडई एक्स्टर में केवल 3 सीएनजी वेरिएंट है, जबकि टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट में यहाँ पे बहुत ही लंबी कतार है दोस्तों। आपको प्योर सीएनजी, एडवेंचर सीएनजी, एडवेंचर रिदम सीएनजी, एकॉम्प्लिश सीएनजी वेरिएंट, एकॉम्प्लिश डीजल सीएनजी वेरिएंट, टाटा पंच में टोटल 5 सीएनजी वेरिएंट आपको उपलब्ध कराए गए, वो भी ट्विन सीएनजी सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ, वो भी जबरदस्त माइलेज के साथ। बूट स्पेस से कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ता है, और किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन स्पेसिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हुंडई एक्स्टर में प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लायंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर बाई फ्यूल पेट्रोल इंजन, जो कि 68 bhp की पावर एंड 95 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है सीएनजी वेरिएंट में। और इसमें कंपनी क्लेम करती है 27.1 km/kg की माइलेज। वहीं टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट में इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लायंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेबरटोन पेट्रोल इंजन, और सीएनजी में 72.41 bhp की पावर एंड 103 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है 26.99 km/kg की माइलेज। जहां तक हुंडई एक्स्टर सीएनजी वेरिएंट की बात करें तो इसके इंटीरियर में आपको 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साथ में आपको यहां पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 391 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। हुंडई एक्स्टर में सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 3-पॉइंट सीट बेल्ट स्टैंडर्ड दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, हुंडई एक्स्टर का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। वहीं हम टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट की बात करें, यानी टाटा पंच की बात करें, तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार के सेफ्टी रेटिंग मिली है दोस्तों, जिससे बन चुकी है इंडिया की सबसे सेफेस्ट मिनी एसयूवी। वही हुंडई एक्स्टर के सीएनजी वेरिएंट में आपको मिलते हैं 210 लीटर का बूट स्पेस, रेगुलर वेरिएंट में मिलते हैं 366 लीटर का बूट स्पेस। इसके इंटीरियर में आपको 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। वहीं आपको यहां पे कूल ग्लव बॉक्स और साथ में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, आर्म रेस्ट, वहीं आपको मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ। लेकिन रियर पैसेंजर्स के लिए आपको एसी वेंट टाटा पंच के किसी भी वेरिएंट में ऑफर नहीं की गई है।
ओवरऑल नंबर की अगर हम बात करें तो Hyundai Exter को मैं 5 में से 3 पॉइंट दूंगा, क्योंकि वेरिएंट्स की भारी कमी है यहाँ पे। हालांकि फीचर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी तक इसके क्रैश टेस्ट भी नहीं हुआ है दोस्तों। और टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट को मैं 5 में से 4 पॉइंट दूंगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, वेरिएंटी वेरिएंट है इसमें। और टाटा पंच में सबसे बड़ी कमी है इसके रियर एसी वेंट का ना होना, अदरवाइज सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार रेटेड मिनी एसयूवी है दोस्तों। और इन दोनों ही कार्स में आपकी कौन सी फेवरेट कार है कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा दोस्तों। ये थी दोस्तों Hyundai Exter CNG वर्सेस टाटा पंच CNG, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट राइड्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।